वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। सीजीपीटीएम इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स सारे अपने अरेंज करने हैं और क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको इंटरव्यू में जाने से पहले रेडी करके रखना है, ये सवाल जो है थोड़ा सा परेशान कर रहा है स्टूडेंट्स को, जिनका कि इंटरव्यू अभी 1 अप्रैल 2 अप्रैल को ही है, उनके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में भी लगे हुए हैं, साथ साथ उनको प्रिपरेशन भी करनी है। तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कि आपको लेके जाना है। वैसे आपके कॉल लेटर पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन हैं, बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया हुआ तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल पे ही दिख रहा होगा कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कि आपको लेकर के जाना है, और एक अच्छे से जो फाइल फोल्डर होती है उसमें अरेंज कर लेना है, और उस फाइल फोल्डर में आपको क्या क्या चीज़ रहेगा। नंबर पहला, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एकेडमिक सर्टिफिकेट, उस एकेडमिक सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या करना है। 10th स्टैंडर्ड से लेकर के आपके एमएससी तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th 12th यूजी एंड पीजी मार्कशीट एज वेल एज सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होने चाहिए, और उन दोनों की ही ओरिजिनल कॉपी आपको रखनी है। सारे सर्टिफिकेट का एक सेट आपका जो होगा वो ओरिजिनल कॉपी रहेगा, दो सेट जो आपका होगा वो फोटो स्टेट होगा, जो कि आपका क्या रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। तो 10th स्टैंडर्ड से लेकर के आपके मास्टर्स डिग्री मींस एमएससी तक का जो सर्टिफिकेट है उनका फाइनल ईयर का मार्कशीट एज वेल एज सर्टिफिकेट, इसको अरेंज करना है। एक कोई फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड, इनमें से कोई भी चलेगा जिसपे आपकी फोटो हो और आपकी आइडेंटिटी उससे की जा सके। इसके साथ साथ में रिसेंटली आपका एक दो आपके पासपोर्ट साइज के फोटोज होने चाहिए, कलर्ड वाले, और जिनका बैकग्राउंड ऐसे नॉर्मल हो, ऐसा ना हो कि मल्टीपल कलर का टाइप का हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंटली बना हुआ हो। और इसके बाद आपका, अगर आप कहीं एम्प्लॉई हैं, लाइक एज कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में, पीसीयूज में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप काम करते हैं, तो वहाँ से आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मीन्स एनओसी बनवाना होगा कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप इस जॉब पे ज्वाइन हो जाते हैं तो वहाँ से छोड़ने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल था कि क्या पीएचडी स्कॉलर्स को और पीडीएफ जो होल्डर, मतलब पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप वाले जो होते हैं, क्या उनके लिए एनओसी चाहिए होगा कि नहीं। तो पीएचडी स्कॉलर्स को लेकर के एनओसी लेटर बनवाने की जरूरत नहीं है। आपने बनवा रखा है तो अच्छी बात है, आपके सुपरवाइजर ने फॉरवर्डिंग कर दिया और हेड ने अगर आपको उसको अप्रूव कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं बनवाया है तो आपको उसको बनवाने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ जो पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप वाले कैंडिडेट हैं उनको जरूर बनवाना चाहिए अपने पीआई से। आप अगर जहाँ कहीं पर भी आप पीडीएफ हैं, अगर आप अपने जो आपके जो प्रिंसिपल पीआई हैं, आप उनसे एक अप्लीकेशन लिख करके उसको फॉरवर्डिंग करा लें कि अगर आपकी जॉब की अपॉइंटमेंट अगर यहाँ पे होती है तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आपको वो जाने देंगे। आधार कार्ड मस्ट है, जरूरी है, आपको लेके जाना है, और इंटरव्यू का कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, ईवीएस से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो इनका आपका जो अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो है रिसेंटली वाला तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे आप उसको बनवा लीजिए। अगर आपके पास बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए, राइट, ये आपकी ज़रूरत पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट आपको आसानी से इंटरनेट से मिल जाएगा, कैटेगरी वाले का, कोई भी कैटेगरी का आप बनवाना चाहते हैं तो, और उसको जाकर के आप बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस किया गया है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप वो उसको भी लेकर के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये नोटिफिकेशंस में ही सारी चीज़ें आपको मेंशन है, यहाँ पे दिया हुआ है, शायद आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा, समझ में आएगा। यहाँ पर दे रखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन, ये सारा सब कुछ आपको वहाँ पे चाहिए होगा। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, सेल्फ अटेस्टेड 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, बाकी जो आपके स्टेट होंगे वो वहाँ पे रख लिया जाएगा। और बाकी आपको यहाँ पे क्या होगा, एक एनओसी लेटर भी क्या होगा, एनओसी लेटर बनवाना पड़ेगा अगर आप कहीं भी एम्प्लॉई हैं तो। सो डियर स्टूडेंट्स, आप के लिए टाइम ये बहुत ही प्रीसियस है, खास करके उनके लिए जिनका 1 या 2 अप्रैल को ही इंटरव्यू हो रहा है, उनके लिए काफ़ी चीज़ें को अरेंज करना है। उनको दिल्ली में जाने के लिए फ़्लाइट, ट्रेन या बस जैसे भी सुविधाएं आपके वहाँ जाने के लिए आपको अरेंजमेंट करना है, ये डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट करना है। आप काम डाउन होकर के सारे अपने एकेडमिक और आईडी प्रूफ और ये सारी चीज़ों को अरेंज कर लें, एक फाइल फोल्डर में अरेंज करके रख लें,
जाने के लिए जो भी एयर फेयर मतलब जो भी आपका फ्लाइट है तो उसका टिकट कर लें, या फिर अगर आपका ट्रेन बस है जो भी है उसका अरेंजमेंट कर लें। और जब भी आपका इंटरव्यू है उससे एक दिन पहले आप पहुंच जाइए। इसमें आप रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि ट्रेन डिले हो सकती है, बस डिले हो सकता है, फ्लाइट का तो खैर नहीं होता, बट फिर भी आप वहां जाकर के एक दिन पहले ही इंक्यूबेट आप हो जाइएगा। अगर आपका 1 अप्रैल को ही है तो आप उससे पहले ही वहां पे निकल जाइए, दैट मीन्स 31st को आप निकल जाइए। और अगर आपका 2nd को है तो आप 1st को पहुंचिए वहां पे, एक दिन पहले आपको वहां पे पहुंचना रहेगा। और अगर अभी भी कुछ आपको डाउट है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने प्रिपरेशंस को अच्छे से करते रहिए। हमारी तरफ से उन सभी लोगों को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी बेस्ट विशेस जो 1 अप्रैल को इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के जो कैंडिडेट हैं या अदर किसी भी स्ट्रीम के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।